हेलो गाइस, ये वाला बहुत ही इजी है। आपको बी में किम फेस एंड करता, बी में ये वाला कॉर्नर देखो। यहाँ खड़े होके लास्ट वाला खिड़की यहाँ पे एम रखना, पूरा मिड पे, उसके ऊपर पे डबल बाउंस फुल चार्ज। रिवील ये आपका रिवील कहाँ होगा? राइट हियर। यहाँ पे सी से आपको रिवील करने के लिए, और एक रिवील आपका सी से है। सी से आपका, अगर सोचो रोटेट कर रहे हैं लोग, तो यहाँ से कैसे आपको रिवील करना है? तो गाइस, आपको अगर लग रहा है सी आ रहे हैं बंदे, सी से अगर उन लोग रोटेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे हो। सी से कैसे आपको पता लगेगा? ये देख रहा, पूरा राइट कॉर्नर लाइएगा, इसके जस्ट हल्का सा नीचे सिंगल बाउंस फुल Scanning शोल्डर, ahead. ये जाके रिवील होगा। अगर उन लोग पीछे जाके ए जा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मतलब सी ना आके फेक करके ए जा रहे हैं, तो रिवील के लिए सही है। और गाइस, यहाँ से आपको गैराज के बाहर रिवील करना है। आपको तो पता है यहाँ पे, और पहले जैसे क्या होता था, यहाँ पे अपन मारते थे। रिवीलिंग अभी एरिया। यहाँ पे ये देखिए, पूरा गराज मेड पूरा रिवील हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, डायमंड को देख रहे हो, लेफ्ट डायमंड को इसके यहाँ पे नीचे रखना है, पूरा बीचों बीच, ये जो फ्लैग का है बीचों बीच। यहाँ पे कोई बाउंस नहीं, कुछ नहीं, सिंगल पावर से छोड़ स्कैनिंग देना अहेड। है। ये पूरे रिवील कर देगा। अभी आपको मैं एक शॉक डार्ट का टिप्स बताऊंगा। आपने यहाँ पे रिवील किया, यहाँ से रिवील तो कर लिया, रिवीलिंग एरिया। ठीक है, बंदे यहाँ पे स्पॉट हुए, देख रहे हो डोर की तरफ आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक शॉक डार्ट का ट्रिप बताता हूँ। देखो, यहाँ ये दीवार में सट जाना है और धीरे धीरे साइड होना है, जब तक ये देखिए एक तो रेड कलर का दिख रहा है ना, तो ये जब तक ना दिखे, ये और ये फुट के साथ पूरा इक्वल हो जाए। जैसे हो गया, यहाँ पे बैठ जाइएगा, एम रखिएगा यहाँ पे डबल, रिवीलिंग एरिया। और ये आपका डायरेक्ट यहाँ आएगा, शॉक डार्ट आएगा। रिकॉन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि, ताकि आपको पता लगे कहाँ पे आ रहा है, शॉक डार्ट तुरंत हट जाएगा इसलिए। और तो गाइस, ए से ज़्यादातर देखे हो फॉरवर्ड जाके यहाँ पे एक रिकॉन मारते हैं यहाँ पे, या आप पीछे से भी मार सकते हो इस जगह से, देख रहे हो ये वाला पोल पे, मतलब कॉर्नर पे आना, एम सिंगल बाउंस फुल चार्ज यहाँ पे छोड़ना, रिवीलिंग एरिया। ये डायरेक्ट जाएगा आपका एम एन, पूरा रिवील कर देगा, बहुत इजी है। ये एक हुआ। हाँ तो गाइस देखो, ये मिड वाल मिड का रिकॉन है, जितना लगता है हार्ड है उतना इजी है। एक बार, मतलब बार बार, अगर आपके हाथ बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो और ये सब ज़रूरी नहीं पड़ेगा। एम यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे एम के रखने के साथ साथ आपको ये जो एज है, ये एज आपका मॉनिटर के एज, मतलब जस्ट आपके मॉनिटर के एज से जैसे हल्का सा गायब होगा, तब लीव करना। आप देखते रहना, वो एज आ गया, दिख रहा है ना एज, तो आप धीरे धीरे हल्का सा लो राइट,
देखो एज गायब हुआ, डबल बाउंस और दो चार्ज के आ सकते हैं हम। रिवीलिंग एरिया। जैसे छोड़ेंगे ये पूरा आएगा रिकॉन बी में, बी का यहाँ पूरा रिवील कर देगा, देख रहे हैं। तो गाइस बस